आर्मी की बहाली में सक्रिय तीन दलाल पुलिस के हत्थे चढ़े। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर रामगढ़ पुलिस अधीक्षक ने की कार्रवाई। रामगढ़ पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और सिख रेजिमेंटल सेंटर में आर्मी जवानों की बहाली में सक्रिय तीन दलाल शनिवार की शाम रामगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर रामगढ़ एसपी ने कार्रवाई करते हुए तीन दलालों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि गिरफ्तार तीन दलालों में एक रामगढ़ जिले का है तथा दो झारखंड राज्य के बाहर से है। वहीं इनके नेटवर्क को खंगालने के लिए पुलिस लगातार इन गिरफ्तार दलालों से पूछताछ कर रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा ये सूचना मिली थी कि अभी रामगढ़ कैंट में आर्मी की बहाली चल रही है, उसमें कुछ दलाल लोग हैं जो कैंडिडेट से पैसा की डिमांड कर रहे हैं नौकरी लगाने के बहाने। उसी में मिलिट्री इंटेलिजेंस के सूचना के आलोक पे रामगढ़ पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई थी इस चीज़ को देखने के लिए। उस स्पेशल टीम के द्वारा तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन लोगों के द्वारा आर्मी में बहाली को लेकर के पैसे का डिमांड किया जा रहा था और ये उनको बताया जा रहा था कि अगर आप पैसे देंगे तो हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। तो अभी तक तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और डिटेल्ड जाँच चल रही है। जो स्पेशल टीम बनाया गया है उस टीम के द्वारा डायरेक्ट मिलिट्री ऑफिसर से संपर्क स्थापित करते हुए और जो संबंधित एजेंसी जो रिक्रूटमेंट करते हैं उनसे संपर्क स्थापित करते हैं, इस पे कार्रवाई। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो WhatsApp करें। हमारा संपर्क नंबर है